मा का बयान करके पैसे लेना देखिए इंसान किसी की कोई भी ख़दमत करता है ना चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो तो उस पर पैसे लेना राजे कौल के मुताबिक जायज़ है पूरी दुनिया में इसी पर अमल हो रहा है फी नफसी ही तो जायज़ है जैसे इमामत की तनख्वाह है क़ारी हजरात बच्चों को पढ़ाने के पैसे लेते हैं ये सब जायज़ हैं तो इस तरह बयान के भी पैसे लिए जा सकते हैं लेकिन खतीब ख़ीब को चाहिए कि वो खुद इस रस्म का बाकॉट करें एक वाज़ो नसीहत को बिल्कुल ही वाजो नसीहत के अंदाज़ में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है उसका असर पड़ता है लोगों पर इमाम तो बेचारा मजबूर है ना वो तो पाँच टाइम बाउंड है मस्जिद में वो अगर तनख्वाह नहीं लेगा तो वो फिर उसको दूसरे काम करने पड़ेंगे नमाजें ज़ाया होंगी जा इसी तरह जो बेचारे मुदरसीन मदरसों में पढ़ा रहे हैं वो तो कई कई घंटे मदरसों के लिए वक़फ़ किया हुआ है वो अगर उनकी तनख्वाहें नहीं होंगी वजीफा वज़ाइफ नहीं होंगे तो वो फिर ये सब छोड़कर उनको कोई दूसरा काम करना पड़ेगा तो दीनी तालीम ज़ाया होगी लेकिन वाइज को चाहिए कि वो अपने वाज़ व नसीहत की महफिल को क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि वो इसके अलावा वाइज का कोई काम ही नहीं है ज़ाहिर है उनके तदरीस होती है कहीं इमामत होती है तो जायज़ नाजायज़ की बहस में मैं नहीं पढ़ रहा वाइज़ीन को चाहिए कि वो ये सिलसिला पैसे लेने का ख़त्म करें इसको बिल्कुल खाल सता फ़ीस ढीला कर दें लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो इतना ज़रूर करें कि जो जिसको बयान के लिए आप बुला रहे हैं उसका आने जाने का रहने का खर्चा लोग उठाएं क्योंकि लोग अपने फ़ायदे के लिए उसको बुला रहे हैं लेकिन ये जो अलग से बारगेनिंग हो रही है कि पच्चीस हज़ार एक बयान के या पचास हज़ार एक बयान के बाद ख़तीबों का सुना है कि डेढ़ डेढ़ दो दो लाख उनके एक बयान के होते हैं तो ये तरीक़ा हमारे असलाफ का बहरहाल बिल्कुल भी नहीं था इसलिए इस तरीके को ख़त्म करना चाहिए इससे दावत में जान खत्म हो जाती है असर ख़त्म हो जाता है